Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to solve the question number 2 of exercise 2.4. Let's see what it is saying. Use factor theorem to determine whether gx is a factor of px. What is gx and px? It is given in the question. It is px and it is gx. In each of the following case. Now there are some 3 questions are there in this question. तो इसमें हमको फैक्टर्स ये जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं वो हमको डिटरमाइन और वी हैव टू चेक हमको चेक करना है। तो हम जैसे ही जो चीज़ करते आए हैं कि फैक्टर देखने के लिए हम क्या करते थे कि जो एक्स की वैल्यू ये जो जी एक्स है उसमें से एक्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और वो हम पी एक्स में पी ऑफ एक्स में पुट कर देंगे। अगर फाइनल आंसर हमको जीरो मिल जाता है तो हम कहेंगे कि जी ऑफ एक्स इज़ द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, है ना। तो एक बार वापस मैं रिपीट करता हूँ, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का फैक्टर है या नहीं हम वो चेक करते हैं। नाउ लेट्स सी, हम जी ऑफ एक्स में क्या पुट करेंगे, वैल्यू जीरो, सो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो हमको एक्स की वैल्यू मिल गई माइनस वन, अब हम ये पी ऑफ एक्स में पुट करें, टू एक्स क्यूब दैट इज माइनस वन क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस वन स्क्वायर माइनस टू माइनस वन माइनस वन। नाउ माइनस वन का क्यूब क्या होगा, माइनस होगा, एंड वन का क्यूब क्या होगा, वन, तो माइनस प्लस विल बी माइनस एंड टू। समझ में आया, माइनस वन ये तो हो गया माइनस वन, माइनस वन का टू से मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये किस में, प्लस में हो जाएगा, तो ये प्लस वन। नाउ माइनस प्लस माइनस माइनस विल गेट कन्वर्ट इन टू द प्लस, फाइनल आंसर विल बी टू एंड माइनस वन। अब देखो यहाँ प्लस टू एंड माइनस टू गेट कैंसल, प्लस वन एंड माइनस वन गेट कैंसल, हमको फाइनल आंसर क्या मिल गया, जीरो। सो वी विल से दैट जी ऑफ एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन and g of x is equals to x plus 2. Now what we are going to do over here is, we will find the value of x from gx. Let's see, x plus 2 is equals to 0 and x is equals to minus 2. Now we will put value of x in this. So minus 2 cube plus 3 minus 2 square plus 3 minus 2 plus 1. जहाँ जहाँ भी हम x था हमने क्या पुट कर दिया, माइनस टू। नाउ देखो यहाँ ओड है तो ये माइनस माइनस रहेगा। नाउ टू का क्यूब, अब टू का क्यूब निकालना मतलब टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, दैट इज़ टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, टू टू ज़ा फोर मल्टीप्लाई टू, और दैट इज़ फोर मल्टीप्लाई टू दैट इज़ एट, तो माइनस एट प्लस। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है तो ये प्लस माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, एंड टू स्क्वायर दैट इज़ फोर, तो थ्री मल्टीप्लाई फोर, है ना, थ्री मल्टीप्लाई फोर। नाउ प्लस माइनस, प्लस माइनस कन्वर्ट्स इनटू द माइनस, थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस वन। नाउ लेट्स सी, माइनस एट प्लस थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व माइनस सिक्स प्लस वन। नाउ देखो माइनस माइनस एड अप कर देंगे, प्लस प्लस एड अप कर देंगे, तो एट और सिक्स कितना हो जाएगा, माइनस फोर्टीन। या मैं इसको ऐसे नहीं लिखूं, पहले मैं प्लस वाले को लिख देता हूँ, प्लस ट्वेल्व प्लस वन दैट इज़ थर्टीन एंड एट और सिक्स माइनस फोर्टीन। अब देखो थर्टीन में से फोर्टीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़ा कौन सा है, फोर्टीन, तो फोर्टीन में से थर्टीन को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको क्या आएगा, वन, और बड़ा कौन है, 14, तो उसका साइन लगेगा दैट इज माइनस वन, एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, हमको फाइनल आंसर जीरो नहीं मिला। तो हम क्या कहेंगे कि जी ऑफ एक्स इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पी ऑफ एक्स, इस पी ऑफ एक्स के लिए ये जी ऑफ एक्स फैक्टर नहीं है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर टू, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ
x from g of x, so x minus 3 is equals to 0, x is equals to 3. ये आर एच एस दिया जाएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, एंड 3 विल बी प्लस 3. सो हम x की वैल्यू 3 इस p ऑफ x में वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं हमको फाइनल आंसर क्या मिलता है. 3 क्यूब माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. नाउ सी 3 क्यूब, क्यूब ऑफ 3 दैट यू नो दैट इज 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. नाउ 3 स्क्वायर दैट इज 9, 9 फोर जा 36 प्लस 3 प्लस 6. नाउ 27 प्लस 3 दैट इज, देखो प्लस प्लस को हम एडअप कर देंगे, 27 प्लस 3 दैट इज 30, 30 प्लस 6 दैट इज 36 माइनस 36, और 36 में 36 गए तो 0, यस, तो फाइनल आंसर इज 0. तो हम क्या कहेंगे कि g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ दिस p ऑफ x, दिस g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ दिस p ऑफ x, सो फाइनल आंसर विल बी यस. आई होप यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर माई वीडियोज़. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.